आज मैं आपके सामने एक ऐसी अंडर परफॉर्मिंग कंपनी के बारे में बात करूंगा जो कि इस टाइम बहुत ज़्यादा नेगेटिव कमेंट्स की वजह से इस टाइम शेयर के प्राइस भी बहुत फॉल हो चुके हैं पिछले एक दो सालों के अंदर। कंपनी का नाम है हमारा वोल्टास। कंपनी के जो एक्सपोर्ट बिजनेस था उसके अंदर उनका मिडिल ईस्ट के अंदर जो कस्टमर्स थे वहाँ पे इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन वाले बिजनेस के अंदर कंपनी की कुछ पेमेंट्स फंसने की वजह से कंपनी के जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसके अंदर एक बहुत बड़ा नेगेटिव इन्फॉर्मेशन आई है मार्केट के अंदर, जिसकी वजह से शेयर प्राइस में एक बहुत बड़ी गिरावट दिखाई दी होगी पिछले 6 महीने के अंदर। लेकिन ये एक ऐसा टाइम है जहां पे अगर कंपनी अपनी पिछली गलतियों को एक्सेप्ट कर ले और आगे वाले फ्यूचर पे बेट करे तो मुझे लगता है कि एक अच्छी एंट्री की अपॉर्चुनिटी दिखाई दे सकती है इस कंपनी के अंदर। रीजन बिंग, कंपनी ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि उन्होंने अब तमिलनाडु स्टेट के अंदर एक अपनी कंस्ट्रक्शन फैसिलिटी ओपन करने का विचार बनाया है जो कि अराउंड 150 एकड़ की ज़मीन है जहां पे कंपनी अराउंड 500 करोड़ का केपेक्स करेगी और उस फैसिलिटी के अंदर अराउंड 1500 से ज़्यादा वर्कर्स की रिक्वायरमेंट होगी। मुझे लगता है कि ऐसे कोर सेक्टर जो कि रूम एयर कंडीशनर मार्केट के अंदर कंपनी की लीडरशिप पोजीशन है, कंपनी अपने अगर कोर पे काम करे तो आगे वाले फ्यूचर के अंदर वो अपना अगर फोकस सिर्फ इस सेक्टर पे रखे और अपनी एक्सपोर्ट मार्केट के अंदर कुछ गलतियां ना करें तो इस कंपनी के अंदर एक बहुत बड़ी रिकवरी की गुंजाइश बन सकती है। मेरा ये मानना है कि अगर कोई कंपनी अपनी कुछ गलतियों की वजह से शेयर प्राइस के अंदर एक पिटाई दिखाई दे तो उस गलतियों को आपको ढंग से समझना पड़ेगा, क्योंकि एक ऐसा बिजनेस है शेयर बाजार का जहां पे अगर आपका शेयर टूटता है और उसके रीजन एंड रैशनल आपको ढंग से पता हो और आपको ये पता है कि वो गलती पास्ट की परफॉर्मेंस है, फ्यूचर में कंपनी अपनी इन गलतियों पे काम कर रही है और ऐसे स्टेप्स ले रही है जहां पे फ्यूचर में ये गलतियां रिपीट ना हो, तो मैं ऐसे प्रमोटर्स ऐसी कंपनीज पे ज़्यादा फोकस रहता हूँ। क्योंकि एक ऐसा टाइम होता है जहाँ पे कुछ टाइम पीरियड के लिए आपका शेयर प्राइस टूटता है, एंट्री का मौका आपको मिलता है और ऐसे एंट्री के मौके के अंदर आपको अपनी बेट लेनी पड़ती है। अगर शेयर बाजार के अंदर आप सोचें कि आपकी लीनियर ग्रोथ होगी तो ऐसा कभी नहीं होता, ऐसे मौके भी ढूंढने पड़ते हैं जहाँ पे एक आपको स्ट्रॉन्ग कॉल लेनी है। क्यों? क्योंकि मार्केट के अंदर जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं इस स्टॉक को लेके नेगेटिव है, लेकिन अगर मार्केट से आप कॉन्ट्रा कॉल लें तो आपकी सब्जेक्टिविटी सिर्फ स्ट्रांग होनी चाहिए तभी मार्केट के अंदर आप आउट परफॉर्म कर पाएंगे। वोल्टास कंपनी से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, उनके रूम एयर कंडीशनर मार्केट के अंदर जो लीडरशिप पोजीशन है उस पे ही सिर्फ मैं बेट कर रहा हूँ और आने वाले फ्यूचर में भी इस कंपनी पे बेट करता रहूँगा। थैंक यू।